खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, प्रसूति की हुई मौत, परिजनों का हंगामा। हमीरपुर जनपद के राठ में सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही मिली देखने को। एक हफ्ते में जनपद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही से ये दूसरी मौत है। सरकारी अस्पताल राठ कर्मियों की लापरवाही से प्रसूता की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। परिजनों ने लगाया अस्पताल कर्मियों व अधीक्षक पर लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप, रक्तस्राव अधिक होने के बावजूद भी अधीक्षक ने समय से नहीं किया रेफर। पिता ने कोतवाली में दी तहरीर। थाना राठ के ग्राम बड़ा की निवासी मृतका का सरकारी अस्पताल राठ में कल शाम को हुआ था प्रसव। बच्ची की डिलीवरी के लिए लाया था मैं अस्पताल में, तो डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। इन्होंने हमसे पैसा लिया, दवाई बाहर से पूरी दवाई 2000 के लगभग दवाई मंगवाई, और इसके बाद 1000 रुपया और मांगा हमसे, हमने 1000 रुपया वो भी दिया। और फिर हमने कहा जब ब्लीडिंग ज्यादा समझ में आई तो हमने कहा हमारा रेफर कर दो, तो नहीं सुना हमारी बात। कई बार कहा लेकिन एक भी बात नहीं सुनी। फिर थोड़ी देर बाद ये तो कहने लगे कि और हम रेफर कर रहे हैं, हमने कहा रेफर मुझे बोले और के लिए कर रहे हैं, हमने कहा हम और ले जाएंगे, हमें झांसी के लिए रेफर करो, तो उन्होंने नहीं किया। इनकी सबसे ज्यादा लापरवाही है, लापरवाही कारण हमारी बच्ची की मौत हुई है। हमीरपुर से तुफैल ताहा की रिपोर्ट, JK न्यूज़।